हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में WWE ने कई सारी ऐसी चीजें करी जिसके बाद हम सभी के मन में कई सारे क्वेश्चन है, एंड इस वीक के रॉ में ये सारी चीजें रिवील होते हुए हमें दिखने वाली है। और गाइस, WWE ने कई सारे बड़े मैचेस एंड सेगमेंट्स अभी से ही ऑफिशियल कर दिए इस वीक के रॉ के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। और साथ ही साथ मैं ये भी बात करने वाला हूँ कि रोमन रेंस का यूनिवर्सल टाइटल रेन कब तक चलने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें किसी ने दिया स्पॉइलर। तो सबसे पहले हम रॉ से जुड़ी चीजों से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला मैच जिसे WWE ने ऑफिशियल कर दिया वो है दी वाइपर रैंडी ऑर्टन वर्सेस मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन का मैच। अब जैसा कि ये दोनों लास्ट वीक ट्रिपल थ्रेट मैच में मौजूद थे ड्रू मैकइंटायर के साथ, बट वहां पर इन दोनों की जीत तो नहीं हो पाई, लेकिन शायद से WWE अब इन दोनों की फ्यूड स्टार्ट करने की सोच रही है। और अगर WWE इन दोनों के बीच हमें फ्यूड दिखाने वाली है, देन जाहिर सी बात है कि दोनों में से यहाँ पर कोई भी हमें क्लियर हारते हुए नहीं दिखने वाला है। एंड या तो ये मैच हमें डिस्क्वालिफिकेशन काउंटआउट से एंड होते हुए दिख सकता है, या फिर हो सकता है रैंडी ऑर्टन रोल अप पिन करके जीत जाए इस मैच को। और कह सकते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और रैंडी ऑर्टन की फ्यूड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर WWE इस फ्यूड को सही से प्लान करती है। वैसे आप सब क्या इस फ्यूड को देखना चाहते हो या फिर नहीं, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके अलावा जो WWE ने नेक्स्ट मैच ऑफिशियल कर दिया वो एक सिंगल्स मैच चार्लोट फ्लेयर वर्सेज आस्का के बीच। अब जैसा कि हमें लास्ट वीक के रॉ में चार्लोट फ्लेयर का रिटर्न देखने को मिला था, एंड उन्होंने शो में आगे चलकर रिया रिपली और आस्का के मैच में अपनी इंटरफेरेंस की थी और वहां पर उन दोनों को काफी बुरी तरह से अटैक किया। और कह सकते हैं अगेंस्ट चार्लोट फ्लेयर एक हील बन चुकी है, तो हो सकता है इस वीक के रॉ में आस्का एंड रिया रिपली एक साथ आकर बदला लेने की कोशिश करते हुए दिखे चार्लोट फ्लेयर से, या फिर इनका हमें सिर्फ प्रोमो में वॉर होते हुए दिख सकता है। बट हां, हो सकता है कि हमें इनका मैच ऑफिशियल होते हुए दिख जाए रेसलमेनिया बैकलैश में रॉ में चैंपियनशिप के लिए, जो कि होगा एक ट्रिपल थ्रेट मैच तीनों वुमेन के बीच। और कह सकते हैं कि काफी टाइम के बाद WWE रॉ में चैंपियनशिप की फ्यूड में कुछ अच्छा कर रही है, तो लेट्स सी आगे चलकर ये फ्यूड कैसी रहती है एंड एट द एंड कौन रहता है हमारा रॉ वुमेन्स चैंपियन। इसके अलावा जो नेक्स्ट थिंग WWE एडवर्टाइज कर रही है वो है फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर से रिलेटेड कि उन्हें आंसर चाहिए बॉबी लेस्ली एंड MVP से। अब जैसा कि आप सब जानते हैं लास्ट वीक के रॉ में ड्रू मैकइंटायर ने WWE चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर मैच जीत लिया था और उसके बाद उन पर रेट्रीब्यूशन के मेंबर मेस एंड टीवर आकर अटैक करते हैं। और सभी यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार मेस एंड टीवर ने ऐसा किया क्यों, क्या वो ज्वाइन हो चुके हैं हर्ट बिजनेस को। तो हमें इस वीक के रॉ में हमें ये थिंग रिवील होते हुए दिखने वाली है। और हो सकता है कि इस वीक के रॉ में हमें ड्रू मैकइंटायर अपना बदला लेने की कोशिश करते हुए दिख सकते हैं बॉबी लेस्ली से, एंड वो WWE चैंपियनशिप रेस कर ये चीज बता दे कि वो रेसलमेनिया के बैकलैश के पेपर व्यू में फिर से जीतने वाले अपनी WWE चैंपियनशिप। इसके अलावा जैसा कि हमें लास्ट वीक के रॉ में डैमियन प्रीस्ट का एक हैंडीकैप मैच देखने को मिला था मिज एंड मॉरिसन के साथ, और मरीज का रिटर्न भी देखने को मिला था जो कि अपने शो को प्रमोट करने आए थे। लेकिन हो सकता है भी पॉसिबली आप सबको डैमियन प्रीस्ट की फ्यूड कंटिन्यू रहते हुए दिखे मिज एंड मॉरिसन के साथ, क्योंकि लास्ट वीक मिज ने डैमियन प्रीस्ट को पिन कर जीत लिया इस मैच को, एंड इस वीक डैमियन प्रीस्ट अगेन हमें एक मैच की डिमांड करते हुए दिख सकते हैं द मिज या फिर मॉरिसन के साथ। इसके अलावा बात की जाए ब्रे वाइट एंड एलेक्सा ब्लिस के बारे में, तो जैसा कि एलेक्सा ब्लिस ने फिंड को डिस्ट्रैक्ट कर मैच हरवा दिया था रेसलमेनिया के पेपर व्यू में, एंड लास्ट वीक के रॉ में उन्होंने बताया कि फिंड के जाने के बाद उन्हें पता चल गया कि उन्हें फिंड की जरूरत नहीं है और अभी भी काफी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। एंड सभी के माइंड में यही क्वेश्चन है कि क्या फिर से किसी सुपरस्टार के साथ हमें ब्रे वाइट की फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिखेगी, या फिर एलेक्सा ब्लिस एंड ब्रे वाइट के बीच जो भी चल रहा है इस वीक के रॉ में वो हमें कंटिन्यू रहते हुए दिखेगा। एंड चांसेस तो ज्यादा यही है कि इन दोनों का सिर्फ हमें बैक स्टेज प्रोमो ही देखने को मिलेगा। तो गाइस, यही कुछ बड़ी थिंग थी जो कि हमें देखने को मिल सकती है इस वीक के मंडे नाइट रॉ में। वैसे आप सब किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात कीजिए अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है कि रोमन रेंस का यूनिवर्सल टाइटल रेन कब तक चलने वाला है। तो गाइस, इससे रिलेटेड हमें स्पॉइलर किसी और ने नहीं बल्कि दिया स्पेशल काउंसिल टू द ट्राइबल पॉल हेमन ने, और उन्होंने ये चीज रेसलमेनिया के बाद भी बोला था कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन रहने वाले रेसलमेनिया 38 एंड उसके बाद तक। एंड लास्ट वीक के टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में भी उन्होंने बोला कि नेक्स्ट 12 मंथ रोमन रेंस का होने वाला है एंड वो नेक्स्ट ईयर भी एज अ यूनिवर्सल चैंपियन जाने वाले हैं मेन इवेंट रेसलमेनिया 38 में। और गाइस, यहां पर पॉल हेमन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और कह सकते हैं जो भी रोमन रेंस एंड पॉल हेमन आकर एक्चुअली स्मैकडाउन में बोल रहे हैं वही वो अपने मैचेस में करते हैं, एंड वही सारी चीजें हमें आगे भी देखने को मिलती है। एंड पॉल हेमन की माना जाए देन रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट में आप सबको रोमन रेंस जाते हुए दिखेंगे एज अ यूनिवर्सल चैंपियन। इसलिए लेट्स सी कि ऐसा होता है या फिर नहीं, क्योंकि भाई अगर ये थिंग हो जाती है देन रोमन रेंस कई सारे टाइटल रेन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि क्या आपको भी लगता है रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंस एज अ यूनिवर्सल चैंपियन जाने वाले हैं मेन इवेंट में, या फिर वो उससे पहले अपना टाइटल लूज कर लेंगे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।